जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को दिक बताने जा रहे हैं श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव के बारे में, जो दिव्य कथा पावन कथा कर कर सभी को भक्तों को रसपान करा रहे हैं इस परम आनंद का। हर भक्त के हाथ में पूजा की थाली और भक्ति भाव है, भक्ति भाव में इस प्रकार झूम रहे हैं गुरुदेव ने। बच्चे भी आते हैं कथा में, गुरुदेव ने खिलौने मंगाए बच्चों के लिए और उन बच्चों के खिलौनों से पहले खुद खेले, फिर प्रसाद के रूप में सब भक्तों पर बांटे। गुरुदेव के गोद में एक प्यारा सा सुंदर सा लाला है, जो बहुत ही अद्भुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और खिलौनों से खेल रहे हैं, और ये दृश्य देखकर हर भक्त आनंद में झूमने नाचने लगा। गुरुदेव ने खिलौने की बरसात करी और भक्त के हाथ में लाला के रूप में कृष्ण जी, जो बहुत प्रेम भाव से नाच रहे हैं और एक दूसरे से देख खेल रहे हैं। कथा एक ऐसा है सार्थ है हमारे जीवन में, जो बहुत परिवर्तन कर देते हैं। और कथा श्रीमद् भागवत कथा जिस भक्त ने सुन ली सच्चे हृदय से, वो सातों जन्म उद्धार हो जाता है उसका। कथा सुनने ही काफ़ी नहीं होता, कथा को जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कथा हमारा बहुत बहुत कुछ सिखाती है, जो हमें जीवन में बहुत कमी से लाभ प्राप्त होता है उसका। कथा सुनना एक परम सौभाग्य है, जो किसी किसी को प्राप्त होता है। इसी कथा को सुनकर हमारे बड़े बड़े विद्यार्थी हो गए हैं। अगर आप भी कथा से जुड़े हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करें गुरुदेव की कथा कैसी लगती है, सेवाएं कैसी लगती हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बागेश्वर धाम सरकार के बात करें, धाम पर है गुरुदेव मध्य प्रदेश कड़ागांव में, जो दिव्य दरबार लगा रहे हैं कंटिन्यू रोज़। इतनी भीड़ है धाम पर कि जगह भी बहुत तंग सी लग रही महसूस हो रहा है, दुकानों को भी बंद करना पड़ा जो भीड़ के कारण। इतनी इस प्रकार भीड़ है, गुरुदेव को समझ में नहीं आता कि मैं भक्तों को किधर से दर्शन दूँ किधर से नहीं। तो गुरुदेव अपने घर के दुमंजिले पर चढ़कर माइक से गुरु प्रवचन सुनाए और जो भी पीड़ा है सबके बारे में पूछा, सभी को माइक के जरिए समाधान दिया। सभी भक्तों के लिए ग्रेड लगती है, क्योंकि भक्तों को कंट्रोल कर पाए लोहे की ग्रेड, उसके अंदर गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव अपने अंदर से ही बहुत ही सभी भक्तों को देते हैं, रोगियों को। रोगी भक्त अपने लाइन में आगे होते हैं और बाकी सब पीछे। प्रेत बाधा वालों को भक्ति देकर उन्हें प्रेत बाधा से मुक्त करते हैं। कंटिन्यू दिव्य दरबार लगाकर पर्चा बना रहे हैं और भक्ति दे रहे हैं सभी को। और गुरुदेव का दिव्य दरबार लगाना, बड़े बड़ों की पोल खोल रहे हैं, राज खोल रहे हैं, इतिहास खोल रहे हैं। और धाम पर काफ़ी भक्त आओ हैं बहुत बहुत दूर से, पर्चा बनाने की श्रद्धा में, आशीर्वाद प्राप्त करने की श्रद्धा में और कथा सुनने की श्रद्धा में। कोई गुरुवर के दर्शन के भाव से आता है, कोई कथा के भाव से आता है, कोई पर्चे के भाव से आता है, तो कोई अपने आशीर्वाद प्राप्त करने के भाव से। ईश्वर का कथा सुनना, भजन करना, ये एक भक्ति वाले भक्त को ही रुचि होगी इसमें। वरना अपने थोड़ा दुख से जो परेशान है वो पर्चे की लालच से आते हैं। आप देख रहे हैं जो बागेश्वर धाम के जाने वाले हैं, प्यार भरे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जब तक।